सब आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं, मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट काम तो मेरा सब हो गया है। मैं अभी झाड़ू उड़ू कर चुकी हूँ। अभी मैं जा रही थी घर को पोछा लगाने जा रही थी, फिर मैंने देखा कि मेरे सारे पोछे जो हैं घर के, घर पोछने वाले जो भी पोछे हैं वो बहुत बुरी तरह से गंदे हो रखे हैं। तो सबसे पहले हम इनको धोएंगे और उसके बाद हम घर पोछते हैं। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसको मैंने गर्म पानी में 1 घंटे पहले से सरफ डाल के, गर्म पानी डाल के रख दिया था। तो मैं वैसे 2-3 दिन छोड़ के इस तरह से पोछों को भी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो इससे क्या है ना, जो रूम का फर्श होता है वो बिल्कुल अच्छे से चमक जाता है। तो मैंने कुछ नहीं किया था, कपड़े धोने वाला सोडा जो होता है वो, और सरफ और गर्म पानी, इनको मैंने अच्छे से बॉयल किया और ला के मैंने इस बाल्टी में डाल दिया और थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करके बस इसको मैंने इस तरह से 1 घंटा रख दिया था। अब देखिए ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो गए हैं। सरफ डालने में मैंने कोई कंजूसी नहीं की, आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में सरफ जो है वो डाला है। और यहाँ पे मैंने नीचे डोरमेट भी बिछा दिया है ताकि जो इसका पोछे का पानी है उससे मेरा डोरमेट जो है वो भी साफ हो जाए। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, कमेंट तो कर नहीं सकते हैं, तो इंस्टाग्राम में मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो मेरी इंस्टा आईडी जो है सेम मेरे चैनल के नाम से है और मैं अपनी इंस्टा आईडी में वीडियो डालती रहती हूँ, तो आप लोग जाके मेरी इंस्टा आईडी चेक कर सकते हैं। और मेरे वीडियो के साथ साथ आप मेरे सॉन्ग को भी इंजॉय कर सकते हैं। सॉन्ग तो नहीं है, मतलब जो शॉर्ट वीडियो मैं बनाती हूँ वो मैं इंस्टाग्राम में रोज पोस्ट करती हूँ, तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए मेरे चैनल की तरफ। और जिस तरह से आप मुझे यहाँ पर प्यार देते हैं उसी तरह से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी प्यार दीजिएगा। तो जब भी मैं आप लोग से बात करती हूँ ना तो मेरा जो काम है ना वो बहुत जल्दी से हो जाता है। सच्ची आप मेरा बिलीव करो, अभी अगर मैं बिना वीडियो बिना कैमरे के मैं करते रहती ना तो मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है इतने थोड़े से काम करने में। और ये वाला पोछा जो है ना, ये न्यू पोछा है, बहुत हैवी पोछा है, इसको मतलब हाथ से धोना पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों में फर्क, ये इतना है और ये इतना है। तो मैं जब भी जाती हूँ ना शॉप पर तो मैं इस तरह के हैवी वाले जो मॉप होते हैं वो मैं दुकानदार से, शॉपकीपर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे बड़े साइज का मॉप दीजिए। तो ये वाला जो मेरा मॉप है ये न्यू भी है और बहुत हैवी भी है, हाथ दर्द हो जाता है इससे पोछ के। मुझे मॉप अलग अलग रखना बहुत अच्छा लगता है, डेली बेसिस में मैं एक ही मॉप यूज करना अच्छा नहीं लगता मुझे। और यहाँ पे मेरे कपड़े की आपको आवाज आ ही रही होगी ना, आवाज आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे मशीन जो है वो चल रही है। तो मेरे तीनों पोछे जो है वो भी धुल चुके हैं और साथ साथ में मैंने अपने बाथरूम के डोरमेट को भी साफ जो है वो कर लिया है।
पानी से जो है मेरा आंगन की भी धुलाई हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के साथ क्या क्या वीडियो हम शेयर कर पाते हैं। अभी मैंने इसको पानी में डाल के छोड़ दिया है, इसी तरह से 4-5 बार जो है इनका पानी में चेंज कर लूंगी, तो उससे क्या होगा कि मेरे पोछे जो हैं वो क्लीन हो जाएंगे। तो बस उसके बाद चलिए हम चलते हैं फटाफट से जो है अपने रूम को हम जाके साफ कर लेते हैं। रूम साफ नहीं करना मतलब रूम को जो है हम